तुम्हारा भाई ठीक है, मरियम भी। तुम ये पुलिस स्टेशन ही भूल आए थे। पर तुम यहां क्यों लेकर आ गई? पूछने के लिए कि क्यों खरीदे तुमने। तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हारे लिए नहीं लाया था, अपने लिए खरीदे थे। जब से तुमने मुझे कहानी सुनाई है, मुझे अजीब से ख्वाब आने शुरू हो गए हैं। मुझे नहीं बताना चाहिए था। मधुल, तुम्हारी फिक्र करने में ऐसा क्या गलत हो गया? मैं चाहता हूं तुम महफूज रहो। और नहीं चाहते कि सब ठीक हो। मैं क्यों नहीं चाहूंगा ऐसा? फिरोज, ये नहीं करो। मधुल, ये सब मैं नहीं करूंगा तो मैं नहीं रहूंगा। लेकिन वो सब मैं नहीं भूल सकती। मैंने कब कहा कि तुम सब भूल जाओ? फिरोज, अगर तुम मेरे लिए ये सब एफर्ट करोगे, मेरी जिंदगी के मसाइल को हल करने की कोशिश करोगे, तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हें दे चुकी हूँ। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में इख्तियार किसी को नहीं देना चाहती, क्योंकि फिर लोग मुझे बर्बाद करके चले जाते। तुम्हें पता तुम कितनी अजीब बात कह रही हो? गलती किसी और की और सजा मिले मुझे, और ये सजा तुम मुझे दे रही हो। ये क्या कर रही हो? बाबा कारपेंटर थे। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाया करते थे। मुझे लॉक बदलने जैसे बुनियादी काम आते हैं, अच्छे से जानती हूँ। बस तुमने मुझे बताने का मौका नहीं दिया। तुम हमेशा से कुछ ना कुछ ठीक करना चाहते हो। मेरे साथ रहो, बस इतना काफी है मेरे लिए। लेकिन ऐसा मत करो जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। तुम मुझसे करोगे मैं सोचना छोड़ दूँ, मगर मैं क्या सोचता हूँ इसका इख्तियार मेरे हाथ में नहीं है। मेरा जमीर मुझसे पूछता है, तुम फिर एक आदमी पर भरोसा कर रही हो? जिस तकलीफ से गुजरी वो काफी नहीं थी तुम्हारे लिए? फिरोज, मैंने अपना माजी तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बताया, ना ही इसलिए कि तुम मेरी मदद करो। इसलिए बताया कि समझ सको मुझे तुम। मैं समझता हूँ तुम्हें, मगर बतूल तुम एक बात नहीं समझ पा रही हो कि मैं हूँ ही ऐसा जैसे तुम्हारे बाबा वाली बात के बारे में मैं सोच रहा हूँ। आज पहली बार उनका जिक्र हुआ है, पहले तो कभी नहीं किया। तुम्हारी अंदर की आवाज तो खामोश रहती नहीं, और तुम चाहती हो मैं खामोश हो जाऊँ। तुम्हारा साथ देने के लिए लाई थी, अब तुम ही मुझे परेशान कर रहे हो। ठीक है, हो गया तुम्हारा? सब लॉक में बदल दूंगा, पूरी कर ली बात, मिल गया सुकून? हाँ, थोड़ा सा। बाबा की कहानी बहुत लंबी है, फिर कभी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम जो कह रहे हो तुम्हारी मर्जी, तो इसका मतलब यही है या फिर तुम्हारा मतलब यह है कि मैं कैस्पर से पता करवा लूंगा? जो समझना समझ लो, मैं कुछ नहीं कह रहा। फिरोज, नहीं, कम से कम तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैं सीरियस हूं। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे छुपकर मालूमात, तो तुम कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे। इस टीके से तुम्हारा मतलब ठीक है तुम्हें तुम्हारी जगह पता है, या फिर ठीक है कि मैं नहीं चाहती कोई भी मेरी जिंदगी में जबरदस्ती दखल अंदाजी करे?